वेलकम टू जिल्फा मैथ। हमारे इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2015 पेपर थर्ड में पूछा गया है, लेट गैमा फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई 2 सी, सी इज हियर कॉम्प्लेक्स प्लेन बी डिफाइंड बाय गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस पर आई एन टी वेयर एन इज सम इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड डी जेड ऑन गैमा इज। तो यहाँ पर हमें गैमा ऑफ टी क्या दिया गया है, इट इज़ इक्वल टू ई रेस पर आई एन टी, हम यहाँ पर जेड सपोज करके चलेंगे, जेड इज इक्वल टू ई रेस पर आई एन टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आई एन ई रेस पर आई एन टी डी टी। इस इंटीग्रेशन में जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड डी जेड ऑन गामा इज इक्वल टू, हम वैल्यू रखेंगे जेड की ई रेस पर आई एन टी, तो ये क्या हो जाएगा आई एन ई रेस पर आई एन टी डी टी डिवाइडेड बाय ई रेस पर आई एन टी। अब हमें लिमिट लेना है इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पर टी की जो वैल्यू आ रही है इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करती है और क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू 2 पाई है, दैट मीन्स टी इज लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई, 0 इज लेस दैन इक्वल टू टी इज लेस दैन इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ई रेस पर आई एन टी, ई रेस पर आई एन टी गेट कैंसल, क्या बच जाएगा आई एन डी टी, एंड इट इज़ इक्वल टू आई एन इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी टी, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आई एन टी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, एंड इट इज़ इक्वल टू आई एन 2 पाई माइनस 0, एंड इट इज़ इक्वल टू 2 पाई एन, यानी हमें जो इंटीग्रेशन फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आई है 2 पाई आई एन। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में हमें इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी जेड की वैल्यू 2 पाई आई एन जो फाइंड हुई है वो डी पर दी गई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा, इट इज़ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू 1 टू सी, सी इज़ द कॉम्प्लेक्स प्लेन बी डिफाइंड बाय गामा ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस पर 4 पाई आई टी, देन 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ई रेस पर जेड डिवाइडेड बाय जेड क्यूब डी जेड, और ये इंटीग्रेशन किस पर डिपेंड करता है गामा पर, एंड हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले हम यहाँ पर यूज़ होने वाला वाइंडिंग नंबर उसके बारे में जान लेते हैं, हम वाइंडिंग नंबर की मदद से ये इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। फॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू गामा, नीटा ऑफ गामा इज टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड माइनस ए ऑन गामा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन गामा पर है और ये जो नीटा है ये वाइंडिंग नंबर है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग नंबर, और या फिर आप इसे इंडेक्स ऑफ गामा विथ रेस्पेक्ट टू टू ए भी कह सकते हैं, इंडेक्स ऑफ गामा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, और इसे नीटा से डिनोट किया जाता है और उसकी डेफिनेशन ये है। यहाँ पर मैंने दो रिजल्ट लिखे हैं और इन दोनों का यूज़ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। पहला रिजल्ट है, इफ़ गामा इज इक्वल टू ई रेस पर 2 पाई आई एन टी एंड ए इज डज नॉट बिलोंग्स टू गामा, देन वाइंडिंग नंबर और इंडेक्स ऑफ गामा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन अगर गामा इस तरह से दिया जाए तो ये जो इंटीग्रेशन या फिर वाइंडिंग नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन, तो यहाँ पर देखिए एन यहाँ पर पावर में है, तो यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू या फिर वाइंडिंग नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी एन। इसी तरह इस रिज़ल्ट का भी यूज़ करेंगे हम, जहाँ पर नीटा इंटू एफ रेस पर के, यहाँ पर के ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स डिनोट करता है, एट ए इज इक्वल टू के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए
टू द पावर k प्लस 1 डी जेड। डेफिनेशन से पता चल गया है कि वाइंडिंग नंबर क्या होता है और इन दोनों रिजल्ट का यूज़ कर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन e रेस पर z डिवाइडेड बाय z क्यूब डी जेड दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गामा जो दिया गया है इट इज़ इक्वल टू e रेस पर 4 पाई आई टी। अगर हम इस रिज़ल्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू क्या है, e रेस पर 2 आई एन टी, और अगर हम इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n इज़ इक्वल टू 2 आ रही है। और यहाँ पर इसकी मदद से हम वाइंडिंग नंबर पता कर सकते हैं। तो वाइंडिंग नंबर क्या आ रहा है, वाइंडिंग नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड। यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, माइनस जेड माइनस ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो क्या है, a है। तो यहाँ देखिए ज़ीरो इसमें बिलोंग नहीं करता, ज़ीरो डज नॉट बिलोंग टू गामा ऑफ टी। तो यहाँ पर हम a की जगह पर ज़ीरो लेंगे और यहाँ पर वाइंडिंग नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो n की वैल्यू रहेगी, वाइंडिंग नंबर नीटा इज़ इक्वल टू 2। इस रिज़ल्ट की मदद से हमने वाइंडिंग नंबर की वैल्यू फाइंड कर ली है विच इज़ इक्वल टू 2। अब इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर अगर हम देखें इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करेंगे तो f ऑफ z क्या है, यहाँ पर f ऑफ z की वैल्यू e रेस पर z है और a क्या है, a यहाँ पर हमें 0 मिल चुका है। और k की वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पर पावर में 3 है और यहाँ पर क्या है, k प्लस 1, दैट मीन्स k इज़ इक्वल टू 2 है। तो हमें वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे, वाइंडिंग नंबर 2 है, 2 रख दिया। यहाँ पर f क्या मिला था हमें, f इज़ इक्वल टू e रेस पर z, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी e रेस पर z आएगा। और यहाँ पर हमें एट a पता करना है, सेकंड डेरिवेटिव एट a, तो हम a की वैल्यू रखेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर e रेस पर 0 इज़ इक्वल टू k फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आई इंटीग्रेशन f ऑफ z इज e रेस पर z और z क्यूब डी जेड। ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन e रेस पर z डिवाइडेड बाय z क्यूब डी जेड एंड इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन e रेस पर z डिवाइडेड बाय z क्यूब डी जेड। यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये सारे वैल्यूज़ इस रिज़ल्ट की मदद से लिखे हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आई है और ऑप्शन में ये b पर दिया गया है, देयरफॉर ऑप्शन b इज़ करेक्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।